गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं इंडिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड गुजरात डॉक्ट्राइन। बेटा जो ये टॉपिक है वो फॉरेन पॉलिसी जो है हम पढ़ रहे थे उसका एक प्रिंसिपल ही है। तो आपको जो इसके 15-16 प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी के, तो जहाँ तो पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन पॉलिसी, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जहाँ ऐसे आ सकता है कि हाँ आपको उसके कोई भी 4-5 सिद्धांत जो प्रिंसिपल है उसे डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं। तो फॉर दिस रीज़न मैं 1 by 1 इसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो फर्स्ट हम इसको इससे शुरुआत कर रहे हैं गुजरात डॉक्ट्राइन की, देन आफ्टर हम 1 by 1 इसकी सारी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि जो आपको जो ईजी हो जाए। अगर जो है शॉर्ट नोट के दौरान आता है क्वेश्चन तो भी अटैम्प्ट कर पाएँ आप, अगर जो लॉन्ग आता है तो तब भी कर पाएँ। अगर जो ऐसे शॉर्ट नोट के दौरान आता है तो आपको जितना भी बताया है शॉर्ट वीडियो में सारा करना पड़ेगा। लॉन्ग है तो आपको समझ में आ गया तो उसे शॉर्ट में आपने लिख देना है, फिर आपने शॉर्ट में लिखने हैं, ठीक है। अगर ऐसे 5 हैं तो 5 इट मीन्स आप एक एक पेज से फिल करेंगे, एक एक शॉर्ट नोट का जो है आप पेज फिल करेंगे। तो नहीं तो आप इसे गुजरात डॉक्ट्राइन को आप 2-3 लाइन या 4 लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में। जो स्टार्ट करते हैं, यस बेटा, इंडिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड गुजरात डॉक्ट्राइन, इसे क्यों गुजरात डॉक्ट्राइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे 1997 में, वो प्राइम मिनिस्टर का कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल। उन्होंने ही जो पॉलिसी बनाई थी उसके नाम से ये पॉलिसी फेमस हो गई। तो आमतौर पर होता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर होता है वही पॉलिसी बनाता है, चाहे जो मशवरा है जो सलाह है वो आप प्राइम मिनिस्टर से लेता है, उसी से मतलब एक्सेप्ट करवाता है। तो फॉरेन मिनिस्टर उस समय SH श्री देवगौड़ा थे, और जो लेकिन पॉलिसी जो फेमस है वो गुजराल के नाम से हुई। उन्होंने 5 जो प्रिंसिपल इसमें अपनाए, अपनी पॉलिसी में उन्होंने 5 सिद्धांत अपनाए, प्रिंसिपल अपनाए। वो 5 प्रिंसिपल कौन से थे, अपने इस लाइन में 2 चीज़ें याद रखनी है। 1997 को कुमार गुजराल ने ये पॉलिसी एक्सेप्ट की थी, ठीक है। और 5 प्रिंसिपल कौन से थे उसमें, पहला प्रिंसिपल था इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि हम जो पड़ोसी देश हैं यानी कि MBBSN, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल, जो 5 जो हमारे आसपास के देश हैं उसके साथ हम रिसेप्रोसिटी को अपनाएंगे, बट गिव्स व्हाट इट कैन बी, जो भी हमें लगता है कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। मान लो अभी पिछले समय के दौरान क्या हुआ था कि पाकिस्तान में इकोनॉमिकली कंडीशन काफ़ी जो थी बद से बदतर हो गई थी, तो हम एज ए पड़ोसी देश के होने के नाते उसके ये नहीं सोचा था कि नहीं वो हमारा दुश्मन देश है या कुछ भी, हमने उसकी पूरे जोर से पूरी हेल्प की, चाहे अनाज हो पैसा हो किसी भी तरह हमने उसकी हेल्प की। तो हम ऐसे ये पॉलिसी अपनाएंगे। सेकंडली, नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट अदर कंट्री टू द रीजन। कोई भी जो हमारा पड़ोसी देश है वो अपने जो रीजन है टेरिटरी है उसे दुश्मन देश के लिए यूज़ करने नहीं देगा। मान लो कि मैं ही इंडिया हूँ, ठीक है, तो जे मैं रशिया को ये ऐसे परमिशन नहीं दूंगा कि हाँ कि आप हमारे देश में आकर फौजों के लिए कैंप लगा दो तो आप पाकिस्तान में हमला कर रहे थे तो मैं आपको परमिशन देता हूँ। या पाकिस्तान कहता है कि चलो जी चाइना को मैं परमिशन देता हूँ, आप मेरे देश में आकर जो है सैन्य अड्डे कायम कर सकती हो तो आप इंडिया में हमला कर सकते हो। कहने का भाव कि उसने गुजराल ने कहा था कि जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो अपने क्षेत्र को किसी दुश्मन के हमले के लिए वो परमिशन नहीं देंगे। थर्ड, नन विल बी इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अदर। हम एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं, कोई भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है कुछ भी, जब तक वो हमें नहीं कहते हम उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्योंकि बार बार ये चीज़ होती है ना, जैसे श्रीलंका में हमारे तमिल लोग रहते हैं, पाकिस्तान में हमारे पंजाबी भाई रहते हैं, तो कई बार सहानुभूति हो जाती है अगर उनके बीच उनको कोई भी ऐसे हरासमेंट होता या कुछ भी है, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट के तौर पर वो को भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड फोर्थली क्या होगा कि ऑल साउथ एशियन, साउथ एशियन किसे कहा जा रहा है, जो हमारे साउथ के जा रहे
वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग जो हमारे साउथ एशियन के कंट्रीज है, जो हम 8 देश हैं सार्क के, ठीक है, कहना कंट्रीज से मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर सा टेरिटरी इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। हम जो भी आस पड़ोस के देश हैं एक दूसरे की जो भी प्रभुसत्ता है उसे स्वीकार करेंगे, ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि हम एक दूसरे के क्षेत्र पर हमला करके उसे कब्जे में ले लें, हम उसका रिस्पेक्ट देंगे। एंड फिफ्थली एंड लास्टली दे विल सेटल दियर डिस्प्यूट थ्रू द पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएट। हम जो भी हमारे बीच में बाउंड्री को लेकर या किसी भी जैसे पॉपुलेशन के लोगों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, धर्म को लेकर क्रिएट हो जाती है, तो हम उस बात को एज ए बातचीत के द्वारा, कॉन्सेंस के द्वारा, नेगोशिएट के द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। ये इसके थे 5 सिद्धांत, ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा। एंड मैं यही कहूँगी प्लीज़ प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स बेटा।